हेलो गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय व्लॉग चैनल। दिस इज मीरा गुबीर। तो आज है महाशिवरात्रि। सबसे पहले आप सबको महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं आज फिर से जा रहा हूँ कहीं और घूमने के लिए, तो सोचा कि वीडियो बना लूँ। नहीं, घूमने नहीं जा रहा, मैं अपनी बुआ के घर जा रहा हूँ, और सोचा कि ये वाला भी वीडियो शूट कर ही देता हूँ। और पहले जा रहा हूँ यहाँ से सिवना की तरफ, और आज मौसम भी थोड़ा सा ऐसे ही है, मेरे को लगता है बारिश आ जाएगी, पर चलो देखते हैं आती है कि नहीं आती है। हवा चल रही है बहुत ठंडी ठंडी, और पहले जा रहा हूँ सिवना। सिवना से जाऊँगा उधमपुर, उधमपुर देखूँगा, अगर पहुँचा उधमपुर तो जाऊँगा, नहीं पहुँचा तो नहीं, सिवना में फिर आ जाऊँगा अगर वापस। तो भाई साहब मैं पहुँच चुका हूँ, कहाँ पहुँचा, सिवना में। ये रहा अपना सिवना स्कूल, जिससे हमने अभी ट्वेल्थ क्लियर की है। और मैं जा रहा हूँ, यहाँ पे सिवना वाली गाड़ी खड़ी है वहाँ पे। तो भाई साहब मैं पहुँच चुका हूँ उधमपुर में, उधमपुर बस स्टैंड, और यहाँ से मैं कटवाऊँगा पंचारी के लिए टिकट, और फिर ढूंढेंगे बस की बस कौन सी है, और फिर चलेंगे पंचारी वाली बस में। जाएंगे हम कोठियार तक की। तो अब मैंने टिकट ले ली, और बस का नंबर है 466666। अब उसको ढूंढते हैं। तो मैंने 46 वाली बस पहले ही देख ली थी कि वो कहाँ पे खड़ी है। मैं सीधा उसके पास गया और जाके देखी अपनी सीट, और उस पर बैठ गया सीधा जाके। तो मैं बैठ चुका हूँ बस में, बस चलेगी पौने दो, तब तक बस में बैठते हैं या फिर घूम आते हैं वहीं से। चलो अभी टाइम शायद 1 बजने वाला है, 1 घंटा बैठना पड़ेगा, 1.25 घंटा। तो चलो देखते हैं कब तक पहुँचते हैं वहाँ पे। तो भाई इस जगह का नाम है कैद गली, जहाँ पे बस रुकी है थोड़ी देर के लिए। जिसको खाना पीना हो वहाँ से खा सकता है, क्योंकि बहुत देर से चल रही थी इसलिए लोग थक जाते हैं, ड्राइवर भी थक जाता है चला चला के। इसलिए यहाँ से सिर्फ आधे घंटे का रास्ता है कैद गली में, यहाँ पे थोड़ी देर बस रुकी है, इसको खाना पीना वो खा सकता है। और यहाँ पर ठंड बड़ी ज़्यादा है, बर्फ़ पड़ रही है, बारिश पड़ रही है, तो मैं भी बस में बैठता हूँ आया था, और चलो बैठते हैं बस में, बारिश पड़ रही है बहुत ज़्यादा। तब दिस इज़ अवर डेस्टिनेशन पहुँच के, वहाँ पे हम जहाँ पे हमें जाना था। अब थोड़ा सा नीचे पैदल जाना पड़ेगा, तो जा रहे हैं, पर बारिश ही बड़ी ज़्यादा पड़ रही है। चलो चलते हैं। तो भाई साहब फाइनली मैं पहुँच गया अपनी डेस्टिनेशन में, जहाँ पहुँचना था अभी पहुँचा नहीं हूँ, थोड़ा सा पैदल रास्ता है। और मैं गाड़ी में बैठा था, कोई 1:15 बजे गाड़ी चली, 2 बजे, और यहाँ पे पहुँचा 4:15 बजे, कि कम से कम भी कोई 2 घंटे गाड़ी में बैठ
बैठते हुए सफ़र निकाला पर थक गया बैठ बैठ के पूरी तरह, क्योंकि मैं बैठ नहीं सकता बहुत देर तक। हम तो अपने घर में चलते ही रहते हैं, अगर उधमपुर आते हैं पर आधे घंटे का रास्ता है सारा उधमपुर के लिए, और आज 2 घंटे बैठ के, वो भी गाड़ी में, इतना रास्ता गाड़ी में पूछो ही मत। मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई है, स्लिप हो गया था भाई साहब, अभी बाद में करता हूँ कैमरान उनके घर में पहुँच कर, नहीं तो मैं गिर ही जाऊँगा इस रास्ते में कहीं ना कहीं। तो भाई साहब यहाँ पे आया था मैं, और ये है कुछ यहाँ का व्यू, और ये नेचर है इनका मोहल्ला। वो देखो सामने बर्फ पड़ी इतनी ज़्यादा, बड़ी शाम को यहीं पर वर् थी। ये रहा इनका घर, यहाँ पे मैं रुका था अपनी बुआ के, और अब सुबह सुबह चल पड़ा हूँ घर के लिए। शाम को मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि इनके यहाँ लाइट नहीं है, फ़ोन बंद हो गया था, और अभी ऑन किया है, 2-3% बैटरी है, तो सोचा कि शूट कर लूँ यहाँ का भी। देखो सरसों के फूल कितने बढ़िया से लग रहे हैं, येलो येलो। तो भाई साहब ये रहा पीछे का व्यू, और यहाँ पे धूप लग चुकी है अब थोड़ी थोड़ी, और मैं भी यहाँ से निकलने ही वाला हूँ थोड़ी देर में, तो बस चलते हैं घर वाली साइड। We'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. तो भाई साहब मैं पहुंच चुका अपने घर वाले रास्ते पे, यानी कि अपनी पुरानी टक्की पे, और जा रहा हूँ घर। और यहाँ पे तो धूप है बड़ी ज़्यादा, वहाँ पे तो बारिश पड़ रही थी, बर्फ़ गिर रही थी, तो सवेरे तो बड़ी ज़्यादा ठंड थी। और अब कर रहा हूँ इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो कर दो लाइक कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।